नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और रोजाना की तरह आज शाम को 7 बजे मैं आपके लिए लेके आया हूँ लाइव क्लास में टीचर सिलेक्शन एग्जाम से रिलेटेड ये वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी, टीचिंग पेडागॉजी जो अलग अलग सब्जेक्ट के हैं। अगर आप किसी भी टीचर सिलेक्शन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो PGT हो, TGT हो या PRT हो, ये एग्जाम KVS, NVS या फिर DSSB द्वारा जो कंडक्ट किए जाते हैं, उन सारे एग्जाम के लिए ये वीडियो काफी यूजफुल हो सकती है आपके लिए। तो अपने प्रिपरेशन को चेक करने के लिए, एक प्रैक्टिस करने के लिए कि आप कैसा परफॉर्म कर सकते हैं एग्जाम में, उसके लिए प्री प्रैक्टिस एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन के फॉर्म में ये वीडियो मैं लेके आया हूँ आपके लिए, ताकि आप अपने आप को जज कर सकें कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और चेक करिए कि आप कितना स्कोर सही कर पा रहे हैं। 70-80% अगर आप सही कर रहे हैं, इट मीन्स आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। अगर कुछ कम कर रहे हैं तो इट मीन्स आपको रिवीजन करने की जरूरत है, और जो भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है उसे ध्यान से सुनिए और उसे रिवाइज करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का वीडियो। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है आपके लिए, मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी शुड बी सीन एज। हमारी जो कंट्री है, इसमें जो इंडियन सोसाइटी है, काफी वैरायटी है, इसमें मल्टीलिंगुअल है, यानी कि काफी सारा भाषा बोलने वाले लोग यहाँ रहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कुछ इससे रिलेटेड ये 4 स्टेटमेंट है आपके पास, तो आपको बताना है कि जो मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर है हमारी सोसाइटी का, तो उससे बेस्ट मैच कौन सा करता है इन 4 ऑप्शन में, यानी कि बहुभाषी चरित्र वाले लोगों की बात की जा रही है जिनको एक से ज्यादा भाषाएं आती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास अ हिंड्रेंस इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सेकेंड ऑप्शन में बोला जा रहा है कि रिसोर्स फॉर इनरिचमेंट ऑफ स्कूल लाइफ। थर्ड ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि अ चैलेंज टू टीचर्स कैपेसिटी टू मोटिवेट स्टूडेंट टू लर्न। और फोर्थ ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है अ फैक्टर दैट मेक्स स्कूल लाइफ अ कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस फॉर द लर्नर। कि जैसे आप फर्स्ट ऑप्शन देके चल रहे हैं, किसमें ये बोला जा रहा है कि जो ये एक तरह से हिंड्रेंस है, एक प्रक्रिया है आपके लिए कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर जिसमें मल्टी लैंग्वेज को यूज किया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया। सेकंड में बोला गया कि ये स्कूल को इनरिच करता है इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिसोर्सेज, कि जितने ज्यादा अगर लैंग्वेज आएंगे तो उतना ईजी हो जाता है सीखना और सिखाना, तो यानी कि ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए एक रिसोर्स का काम करती है। और थर्ड में बोला जा रहा है अ चैलेंज टू टीचर्स, कि टीचर की कैपेसिटी के लिए चैलेंज है कि वो अपने स्टूडेंट को कैसे मोटिवेट करता है अगर वो डिफरेंट लैंग्वेज को जानता है। और फोर्थ ऑप्शन में बोला गया है ये क्या एक फैक्टर है दैट मेक्स स्कूल लाइफ कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस, यानी कि जो मल्टीलिंगुअल जो कैरेक्टर हमारी सोसाइटी का है जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, ये एक तरह से हमारे स्कूल में एक एक्सपीरियंस, बिल्कुल एक कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस देता है लर्नर को कि वो आगे आने वाली लाइफ में वो कैसे अपने आप को एडजस्ट कर सके। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, इसमें 1 करेक्ट आंसर है, बाकी 3 गलत है, तो आपको सही आंसर चूज करना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सेकंड है, यानी कि जो मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर है ये एक तरह से स्कूल के लिए एक रिसोर्स है कि अपने आप को इनरिचमेंट करने का, और जो स्टूडेंट स्कूल आ रहे हैं तो उनके लिए भी एक स्पेशल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है कि वो अपनी क्वालिटी को इनहेंस कर सके। तो इस हिसाब से क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो आपका हो गया सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिएटिव आंसर रिक्वायर, जो क्रिएटिव आंसर ये, यानी कि एक बच्चा जब आंसर करता है और उसमें क्रिएटिविटी को अगर आप जांचना चाहते हैं, यानी कि रचनात्मक शैली को अगर जांचना चाहते हैं आप कि उसके अंदर है या नहीं है, तो उसके लिए बेस्ट तरीका क्या होगा। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से आपको चूज करना है कि ये क्रिएटिव आंसर को आप किस तरह से जज करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है डायरेक्ट टीचिंग एंड डायरेक्ट क्वेश्चन, कि सीधा सीधा आप पढ़ा देंगे और सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेंगे, ये फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है। सेकंड ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन। कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है कि जो कंटेंट आप डिलीवर कर रहे हैं उस कंटेंट से बाहर आप कुछ नहीं पूछेंगे, यानी कि जो आपका लिमिटेड सिलेबस है उस सिलेबस के ऊपर ही चलेंगे और उस सिलेबस पे ही क्वेश्चन को फॉर्म करेंगे, बनाएंगे, सेकेंड ऑप्शन में बोला गया। और थर्ड ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है ओपन एंडेड क्वेश्चन, कि क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, ओपन एंडेड छोड़ देंगे स्टूडेंट के लिए, और उनको अपनी क्रिएटिविटी को यूज करके अपने सोच विचार
क्षमता एक्सपीरियंस को यूज करके उनको आंसर देने के लिए कहेंगे, ये थर्ड ऑप्शन में। और फोर्थ ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है अ हाईली डिसिप्लिन्ड क्लासरूम, कि क्रिएटिविटी को जांचने के लिए आप ये चेक करेंगे कि क्लासरूम में कितना अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन है। अगर डिसिप्लिन अच्छे से मेंटेन है, मतलब हाई स्टैंडर्ड मेंटेन है डिसिप्लिन का, दैट मींस दैट क्लास इज कॉल्ड डिसिप्लिन क्लास जो होगी उसे हम कह सकते हैं क्रिएटिव, मतलब क्रिएटिव क्वालिटी है स्टूडेंट के अंदर, ये फोर्थ ऑप्शन में बोला जा रहा है। तो ये चार ऑप्शन थे आपके पास, तो चार में से करेक्ट आंसर क्या है उसे चूज करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर आपके लिए हो गया थर्ड ऑप्शन, यानी कि आप क्या करेंगे कि जब आपको क्रिएटिविटी यानी रचनात्मक शैली बच्चे की जांचनी है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों को क्वेश्चन ओपन एंडेड दे देंगे, जहां उनको बिना किसी लिमिट के अपने अकॉर्डिंग आंसर करने के लिए छोड़ देंगे। यानी कि जो करेक्ट आंसर जो हो गया आपके लिए, ये हो गया ऑप्शन थर्ड, हो गया आपका करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे बात की जा रही है डायग्नोस ऑफ द गैप्स इन द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट शुड बी फॉलोड बाय, कि जब कई बार क्या होता है स्टूडेंट लगातार स्कूल नहीं आता, बीच में गैप कर लेता है, छुट्टी कर लेता है, या फिर आप ये कहें कि उसकी लर्निंग प्रोसेस में कुछ गैप आ जाता है किसी भी रीजन की वजह से, तो उसको डायग्नोस करने के लिए, वो जो गैप को कम करने के लिए या उसे रिमूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं एज ए टीचर, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चार ऑप्शन आपके पास दिया गया, इस हिसाब से आपको आंसर करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है एप्रोप्रिएट रिमेडियल मेजर, कि आप क्या करेंगे एक एप्रोप्रिएट बिल्कुल ठीक ठाक बिल्कुल उचित रिमेडियल मेजर्स लेंगे। सेकेंड ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि इंटेंसिव ड्रिल एंड प्रैक्टिस, कि बहुत ज्यादा आप क्या करेंगे ड्रिल कराएंगे या प्रैक्टिस कराएंगे, यानी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कराएंगे, खूब सारे क्वेश्चन देंगे, जिससे बच्चे क्या करेंगे उनके लिए ड्रिलिंग हो गई इस क्वेश्चन की। थर्ड ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है सिस्टमैटिक रिविजन ऑफ ऑल लेसन, कि जितने भी लेसन है अब तक जो भी सिलेबस में जितने भी लेसन है सबका आप रिविजन कराएंगे और बहुत सिस्टमेटिक एक प्लान बनाएंगे, ये बोला जा रहा है थर्ड ऑप्शन में। फोर्थ ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है रिपोर्टिंग द फाइंडिंग्स टू लर्नर्स एंड पेरेंट्स, कि भी रिपोर्टिंग करेंगे उनसे से बातचीत करेंगे भी गैप क्यों आ रहा है, बच्चा स्कूल क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं सीख रहा है, तो एक तरह से रिपोर्टिंग वर्क आप करेंगे, यानी कि उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे लर्नर को और उनके पेरेंट्स को, ये फोर्थ ऑप्शन में बोला जा रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या है वो बताइए। तो जैसा कि अभी आप लोग जानते हैं इस टाइम COVID-19 की सिचुएशन बनी हुई है, तो ये भी क्या कर रही है एक तरह से, ये भी हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कि उनकी जो लर्निंग प्रोसेस है उनके बीच में गैप लेके आ गई है। तो इस तरह की प्रॉब्लम अगर सपोज जब आप टीचर बनते हैं तब ये सपोज ये इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, या कुछ और सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन अगर क्रिएट हो जाती है तो आप इसको गैप को कैसे फिल करेंगे, कैसे डायग्नोस करेंगे, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बना जा रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत चांसेस है कि आपसे पूछा जाए इस टाइप की क्वेश्चन। तो आप बताइए करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि आप क्या करेंगे एप्रोप्रिएट रिमीडियल मेजर्स लेंगे, कि देखेंगे भाई कि जैसे मान लीजिए कि सेशन स्टार्ट हुआ, आपने दो तीन चैप्टर कराए, बीच में दो तीन चैप्टर कराए, अब उसके बाद एक दो चैप्टर के लिए आप जो करवा रहे थे और उस बीच में बच्चा अगर गैप ले लेता है, छुट्टी कर लेता है किसी वजह से, मतलब वो लर्निंग प्रोसेस को अटेंड नहीं कर पाता है, क्लासरूम में नहीं आता, तो उस गैप के लिए उस पर्टिकुलर गैप को ही को फिल करने के लिए आप रिमेडियल क्लास लेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराने की जरूरत नहीं है पूरे सिलेबस की, बल्कि उस चीज का जिसका गैप आ रहा है। और जो थर्ड में बोला था कि सिस्टमेटिक रिविजन प्लान बनाएंगे सारे चैप्टर का, सारे लेसन का, नहीं सारे की बनाने की जरूरत नहीं है, जिसमें बच्चा एब्सेंट रहा, जिसमें बच्चे की गैप आ रही है, सिर्फ उस पे फोकस करेंगे। और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना सोल्यूशन नहीं होता, जैसे फोर्थ में बोला जा रहा है कि आप रिपोर्ट कर देंगे पेरेंट्स को और सूचना पर स्टूडेंट को, इस सब रिपोर्टिंग करना ही सोल्यूशन नहीं है। हाँ, उस प्रोसेस का एक पार्ट जरूर है, बट एक ये रिजल्ट जब ही आएगा जब आप उसको रिमेडियल क्लासेस या कुछ इस तरह का प्रोविजन क्रिएट करेंगे जिससे बच्चे को वो जो गैप आ गया उस चीज को सीख सके। तो करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का हो गया वो हो गया फर्स्ट ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कंसीडर एज द फीचर ऑफ लर्निंग, लर्निंग यानी कि अधिगम की विशेषता, या फिर हम कहें कि लर्निंग के फीचर को जो रिप्रेजेंट नहीं करता है, इन चारों ऑप्शन में से आपको वो आइडेंटिफाई करना है। कहने का मतलब यह है कि इस क्वेश्चन में आपको लर्निंग या फिर अधिगम के रिलेटेड तीन तो फीचर दे रखे हैं बिल्कुल जो करेक्ट है, और एक उससे रिलेटेड नहीं है, तो जो ऑड वन है उसको आउट करना है, यानी कि उसे
पिक करके आपको आंसर बताना है। तो आपके पास ऑप्शन कुछ इस तरह से, फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। लर्निंग इज अ प्रोसेस दैट मेडिटेट्स बिहेवियर, कि लर्निंग एक तरह से प्रोसेस है जो कि हमारे बिहेवियर को मेडिटेट करती है, यानी कि उसके लिए मध्यस्थता का पार्ट रोल प्ले करती है। सेकेंड ऑप्शन में बोला जा रहा है लर्निंग इज समथिंग दैट अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ सर्टन एक्सपीरियंस, कि लर्निंग यानी अधिगम जब भी होती है जब हम किसी एक्सपीरियंस को गेन करते हैं, जो उसका रिजल्ट आता है वो हमारे लिए लर्निंग है। थर्ड ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है स्टडी ऑफ बिहेवियर इज लर्निंग, कि किसी भी बिहेवियर की स्टडी, कि कोई कैसा कर रहा है कैसा नहीं कर रहा है, तो उसकी जो हम स्टडी कर रहे हैं बिहेवियर की, वो एक तरह से लर्निंग है। और नेक्स्ट ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है अनलर्निंग इज आल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग, कि अनलर्निंग का मतलब जो चीज हम नहीं सीख रहे हैं वो भी सीखने का एक पार्ट है, ये कहा जा रहा है आपसे। तो ये चार ऑप्शन थे, चार ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो गया आपके लिए, हाँ अटेम्प्ट कर लीजिए अगर अभी तक आपने अटेम्प्ट नहीं किया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया आपके लिए ऑप्शन थर्ड, यानी कि स्टडी ऑफ बिहेवियर इज लर्निंग। ये जो बोला जा रहा है यहां पे ये गलत हो गया, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि लर्निंग क्या है, चेंज इन बिहेवियर है हमारा। कि लर्निंग क्या होता है, चेंज इज द आउटपुट ऑफ, चेंज जो होता है हमारे लर्निंग के बाद क्या होता है कि हमारे बिहेवियर में आउटपुट में चेंजेस आते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आप स्कूल में जाते हैं एज ए स्टूडेंट, कोई स्कूल आता है तो उससे पहले जो उसकी सिचुएशन है और उसके स्कूल से पढ़ने के बाद जब जाता है तो उस बीच में जो उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसे हम बिहेवियर कहेंगे। तो बिहेवियर क्या है, चेंज इन बिहेवियर, सॉरी लर्निंग क्या है, चेंज इन बिहेवियर है। तो ये थोड़ा सा जो स्टेटमेंट है थोड़ा सा गलत हो गया, यानी कि जो गलत स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना था हमें, तो उस हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया थर्ड। बाकी तीनों स्टेटमेंट में जो है फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, ये इसके फीचर है लर्निंग की, एक्सेप्ट थर्ड स्टेटमेंट। तो थर्ड स्टेटमेंट ही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बात की जा रही है कि सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर रेफर टू, कि सेल्फ रेगुलेशन यानी कि स्वयं पे नियंत्रण रखना ये है, इसको आप लर्नर के रिगार्डिंग में क्या रेफर करते हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए, उस हिसाब से आपको आंसर करना है। फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है कि जो सेल्फ रेगुलेशन के बारे में, देयर एबिलिटी टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, इसका मतलब ये है कि भी सेल्फ रेगुलेशन का मतलब ये है कि वो अपनी एक्टिविटी को, खुद की एक्टिविटी को जब हम मॉनिटर करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रेगुलेशन फर्स्ट ऑप्शन में। सेकेंड ऑप्शन में बोला जा रहा है आपसे कि क्रिएटिंग रेगुलेशंस फॉर स्टूडेंट बिहेवियर, कि स्टूडेंट के बिहेवियर के लिए जब आप रूल्स फॉर्म करते हैं, तो कुछ रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन तैयार करते हैं, कोई नियम कानून तैयार करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रेगुलेशन सेकेंड ऑप्शन में बोला गया। थर्ड ऑप्शन में बोला जा रहा है कि रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय द स्टूडेंट बॉडी, कि स्टूडेंट बॉडी के द्वारा, यानी कि स्टूडेंट का जो यूनियन है, जब ये लोग कोई रूल या कानून कुछ बनाते हैं तो उसे हम कह सकते हैं कि भी वो सेल्फ रेगुलेशन है। और फोर्थ ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंट्रोल, यानी कि खुद पर कंट्रोल करना और डिसिप्लिन रखना ही सेल्फ रेगुलेशन है। तो आपको लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बताना है कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है इसका। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है इसका, करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट ऑप्शन है, जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि सेल्फ रेगुलेशन के बारे में, कि देयर एबिलिटी टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, कि अपनी लर्निंग से रिलेटेड जो एक्टिविटी है उसको खुद से जो मॉनिटर करने की एबिलिटी स्टूडेंट के अंदर आ जाती है, कि कितना पढ़ा, कितना सिलेबस पेंडिंग है, कि कहाँ पे लैग कर रहे हैं, कहाँ स्कोर नहीं कर पा रहे, कौन सा वीक पॉइंट है, कौन सा स्ट्रांग पॉइंट है, वीक पॉइंट के लिए क्या प्लान है, क्या रेमिडीज प्लान की गई है, और जो स्ट्रांग पॉइंट है उसके लिए कितना कम टाइम दिया जाना चाहिए। तो इस तरह की जो प्लानिंग सेट स्टूडेंट खुद अपने आप कर लेता है, कहने का मतलब है कि वो अपनी लर्निंग प्रोसेस को खुद से ही मॉनिटर करने के लिए के एबल, यानी कि उसके सक्षम हो जाता है, तब हम उसे कहेंगे सेल्फ रेगुलेशन, किसके पॉइंट ऑफ व्यू के, लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो करेक्ट आंसर हमारा फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बार इसे रीड कर लीजिए और समझिए, चारों ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिफ्लेक्ट
टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ये रिफ्लेक्ट करता है कि भाई जो टीचिंग है रिफ्लेक्ट नहीं करता है, ये टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, कि टीचिंग जो होती है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है, ये चीज कौन सा स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है, आस्क स्टूडेंट टू एक्सप्लेन अ फिनोमेना और अ कॉन्सेप्ट इन देयर ओन वर्ड। स्टूडेंट को आप बोलते हैं कि वो जो भी फिनोमिना या जो भी चेंजेस है या फिर जो भी कॉन्सेप्ट है उसको वो अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करें, फर्स्ट में बोला गया है। सेकंड में आपसे बोला जा रहा है कि टीच स्टूडेंट टू प्रोवाइड एग्जांपल टू इलस्ट्रेट हाउ अ लॉ वर्क, कि भी टीच स्टूडेंट को क्या करेंगे आप इस तरह से पढ़ाएंगे एग्जाम्पल दे देके कि भी किस तरह से कोई इलस्ट्रेट करेंगे, उसको समझाएंगे कि किस तरह से कोई पर्टिकुलर लॉ या फॉर्मूला या रूल काम करता है, इस सेकेंड ऑप्शन में बोला गया। थर्ड ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि हेल्प स्टूडेंट सी सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस एंड जनरेट एनालॉजीज, कि भाई आप क्या करेंगे स्टूडेंट को इस तरह से हेल्प करेंगे कि वो सिमिलैरिटी किसी भी टॉपिक के ऊपर किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर उसकी सिमिलैरिटी को और उसके डिफरेंसेस को वो जनरेट कर पाएंगे, उसको माप पाएंगे, जान पाएंगे खुद से, ये थर्ड स्टेटमेंट बोला जा रहा है। और फोर्थ में आपसे बोला जा रहा है अनेबल स्टूडेंट टू मेमोराइज आइसोलेटेड फैक्ट एंड प्रोड्यूसर्स, कि स्टूडेंट को आपके जो स्टूडेंट है वो इसकी काबिल हो जाए कि वो मेमोराइज कर लेंगे, मेमोराइज का मतलब उसको रट्टा कर लेंगे, याद कर लेंगे किसी फैक्ट को किसी प्रोसीजर को इस तरह की चीजों को, तो उसे आप कह सकते हैं कि भाई वो लर्निंग टीचिंग जो टीचिंग हो रही है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं हो रही है, जो ये रिफ्लेक्ट करती है। तो ये चार ऑप्शन थे आपके पास, चार में से आपको वो बताने हैं कि भी जो ये रिफ्लेक्ट नहीं करता कि भी टीचिंग जो हो रही है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए हो रही है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जैसे आप देख रहे हैं जो ऊपर के तीन स्टेटमेंट देख रहे हैं, इन सब में ये दिखाया समझ में आ रहा है कि बच्चा कॉन्सेप्ट को समझ रहा है फर्स्ट में भी सेकंड में भी थर्ड में कि भी, लेकिन जो फोर्थ में इसमें अंडरस्टैंडिंग की कोई बात नहीं की गई, इसमें बस ये कहा कि मेमोराइज कर लीजिए आइसोलेट होकर के फैक्ट को प्रोसीजर को बस, ताकि एग्जाम पास हो सके, एक सिंपल सा मतलब जो चेंज इन बिहेवियर का जो कॉन्सेप्ट होता है लर्निंग का जो अल्टीमेट एम होता है उसकी बात नहीं की गई है, वो कॉन्सेप्ट नहीं झलक रहा किसके अंदर, फोर्थ ऑप्शन के अंदर, क्योंकि हमें नॉट रिफ्लेक्टिंग फैक्टर बताना था, पॉइंट बताना था इसके अंदर, उस हिसाब से हमारा आंसर फोर्थ हो गया ये वाला। ठीक है, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लर्निंग, कि लर्निंग से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ट्रू है, आपको वो आइडेंटिफाई करना है। इट मीन्स ये है कि भी तीन स्टेटमेंट गलत होंगे, एक स्टेटमेंट ठीक होगा, तो जो सही वाला है वो आपको आइडेंटिफाई करना है इसके अंदर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इस तरह से कि एरर्स मेड बाय द चिल्ड्रन इंडिकेट दैट नो लर्निंग हैज टेकन प्लेस, कि अगर स्टूडेंट कोई एरर करता है गलती करता है तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि बच्चे ने कुछ भी नहीं सीखा, फर्स्ट ऑप्शन में। सेकेंड ऑप्शन आपसे बोला जा रहा है कि लर्निंग इज इफेक्टिव इन अ एनवायरमेंट दैट इज इमोशनली पॉजिटिव एंड सेटिस्फाइंग फॉर द लर्नर, कि भाई लर्निंग तभी इफेक्टिव बनेगी अगर वो जो एनवायरमेंट आपने क्रिएट किया है स्टूडेंट के लिए वो इमोशनली पॉजिटिव और सेटिस्फाइंग होगी स्टूडेंट के लिए, यानी कि बच्चे के लिए स्टूडेंट के लिए छात्र के लिए वो कैसा एनवायरमेंट होना चाहिए, इमोशनल एनवायरमेंट होगी वो जो पॉजिटिव डायरेक्शन में और उसको सेटिस्फाई करती हो कि वो ठीक ठाक है, यहाँ पे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तब जाकर के उसे हम कह सकते हैं कि ये ट्रू लर्निंग है। थर्ड ऑप्शन में बोला जा रहा है कि लर्निंग इज नॉट अफेक्टेड बाय इमोशनल फैक्टर एट एनी स्टेज ऑफ लर्निंग, कि लर्निंग के किसी भी स्टेज पे इमोशनल फैक्टर उसे अफेक्ट कर ही नहीं सकते, उस पर प्रभाव डाल ही नहीं सकते किसी भी भावात्मक रूप से, हमारी जो अधिगम प्रोसेस होता है बच्चों का उसमें कोई इसका कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी प्रोसेस पे किसी भी लेवल पे किसी भी स्टेज पे, ये बोला जा रहा है थर्ड ऑप्शन में। और फोर्थ ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि लर्निंग इज फंडामेंटली अ मेंटल एक्टिविटी, कि लर्निंग क्या होता है एक तरह से आधारभूत तरीके से, यानी कि फंडामेंटली आप इसमें बोल सकते हैं कि ये क्या है एक मेंटल एक्टिविटी है, यानी कि मानसिक क्रिया है या मानसिक गतिविधि है। तो चार ऑप्शन आपको बता दिए गए, तो आपको ये बताने कि जो लर्निंग से ट्रू है रिगार्डिंग, तो जो सही स्टेटमेंट है जो बिल्कुल एग्जैक्टली लर्निंग को डिफाइन करती है उसके रिगार्डिंग में ट्रू स्टेटमेंट है वो आपको आइडेंटिफाई करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो सारे ऑप्शन मैंने आपको बता दिया समझा दिया, अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन का जो सेकंड ऑप्शन आप देख रहे हैं ये इसका सही है, क्यों, क्योंकि इसमें जो बोला गया है कि लर्निंग इफेक्टिव तभी होगी अगर वो जो एनवायरमेंट आपने जो बच्चों के लिए क्रिएट किया है यहाँ पे आप एज ए टीचर उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं
और उसका इमोशनली उसको पॉजिटिव मेंटेन करके रख रहे हैं कि बच्चा आपसे इमोशनली अटैच हो गया और वो सेटिस्फाइंग फील कर रहा है उस सिचुएशन के अंदर, तब जाके जो लर्निंग होगी वो इफेक्टिव बन जाएगी। यानी उस हिसाब से क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो हो गया सेकेंड ऑप्शन। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टन प्रिंसिपल, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स मानव का जो विकास होता है वो किसी सर्टन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, कुछ बेसिक सिद्धांत जो आधारित जो है वो कॉन्सेप्ट उसके ऊपर बेस्ड है ह्यूमन का डेवलपमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, इंसान के विकास के लिए, मानव विकास के लिए कौन सा इनमें से जो कॉन्सेप्ट जो आपको गिवन है, स्टेटमेंट गिवन है, करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट नहीं है वो बताना है आपको, यानी कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रिंसिपल नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास कुछ इस तरह से है, कंटिन्यूटी यानी कि निरंतरता, यानी कि लगातार जो प्रोसेस चलता है। सेकंड बोला जा रहा है सिक्वेंसली, सिक्वेंसिलिटी, यानी कि सिक्वेंस का मतलब यह है कि क्रम में, स्टेप बाय स्टेप, स्टेज बाय स्टेज जो चलता है। थर्ड ऑप्शन में बोला जा रहा है जर्नल टू स्पेसिफिक, यानी कि जो ग्रोथ होता है ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है वो कैसा होता है, पहले जनरल होता है फिर उसका स्पेसिफिक होता है, यानी कि विशिष्ट से सामान्य की ओर, इस तरह से आप बोल सकते हैं, या फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये जो दो तरीके के जो कॉन्सेप्ट है उनमें से एक चूज किया गया यहाँ पे कि जनरल टू स्पेसिफिक। और नेक्स्ट ऑप्शन जो आपसे बोला गया है डी में, इसमें बोला जा रहा है रिवर्सिबल, यानी कि उसको चेंज हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, यानी कि जिस जो एक ग्रोथ या डेवलपमेंट हो गया उसे आप रिवर्स कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए किसी की हाइट बढ़ गई है तो अब उसका कहने का मतलब है, उसे रिवर्स करने का मतलब है उसको हाइट को घटा सकते हैं, कुछ इस तरह से एक एग्जांपल लिया मैंने ये ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप ये बताइए चार ऑप्शन है, चारों में से सही ऑप्शन कौन सा है वो बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा, तो फोर्थ ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का है वो करेक्ट है, यानी कि जो ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट जो होता है वो कभी भी रिवर्सिबल नहीं होता। ये नहीं कि भाई जो चीज बच्चे किसी कोई भी कॉन्सेप्ट अगर ग्रो हो गया है, डेवलप हो गया है, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये गलत है। बाकी जो है ये सब प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट का एक पार्ट है, जैसे कंटिन्यूटी में होता है, सिक्वेंस में होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है, कभी कभी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे भी है स्पेसिफिक टू जनरल भी होता है, ये सारे सही है, लेकिन जो फोर्थ वाला है ये गलत हो गया इसके अंदर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा फोर्थ हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट शुड बी, कि किसी भी बच्चे का जब आप असेसमेंट करते हैं आफ्टर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के, तो उसका जो मेन पर्पस होता है वो पूछा जा रहा है कि मेन पर्पस आखिर होता क्या है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि आपसे पर्पस पूछा जा रहा है कि इवेल्युएशन या फिर कहें कि एग्जामिनेशन या फिर हम कहें असेसमेंट क्यों किया जाता है। तो चार ऑप्शन है आपके पास, चार में से सही ऑप्शन क्या है आपको ये बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपसे पूछा जा रहा है टू पॉइंट आउट द एरर ऑफ द लर्नर, कि लर्नर का जो एरर है यानी कि जो भी अधिगम करता है शिक्षार्थी है उसके जो एरर है उसको आइडेंटिफाई करना ही असेसमेंट का मेन पर्पस है, फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया। सेकेंड ऑप्शन में बोला जा रहा है टू मेजर द अचीवमेंट ऑफ लर्नर, कि लर्नर यानी स्टूडेंट ने क्या अचीव किया है उसको मेजर करने के लिए ही असेसमेंट किया जाता है, ये सेकेंड ऑप्शन में बोला जा रहा है। और थर्ड ऑप्शन में बोला जा रहा है टू डिसाइड इफ अ स्टूडेंट शुड बी प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास, कि भी ये चेक करने के लिए कि बच्चे को अगले क्लास में भेजा जाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग जो उसका मेन पर्पस है असेसमेंट करने का वो यही है। और फोर्थ ऑप्शन में बोला जा रहा है टू डायग्नोस एंड रेमेडी गैप इन द लर्निंग, कि भी बाकी सब तो ठीक है अपनी जगह, लर्निंग कैसे हो रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना, लेकिन जो मेन पर्पस है, जो बेसिक प्रिंसिपल है इसके पीछे कि भी असेसमेंट क्यों किया जाना, मेन पर्पस जो है उसका सबसे जो मेन फीचर है उसका ये है कि भी हम डायग्नोस कर सके कि कोई, जैसे आपने कोई एग्जाम लिया, एग्जाम में आपको पता लगा कि बच्चा ये क्वेश्चन सही कर रहा है, ये गलत कर रहा है, ये कॉन्सेप्ट ठीक है उसका, ये कॉन्सेप्ट में डाउटफुल है, तो जो भी डाउटफुल सिचुएशन है, जो भी गैप आ रही है उसकी लर्निंग के अंदर, तो उसको उसका रिडिमी करना है, उसको ठीक ठाक करना है, उसका निदान करना है, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, उस गैप को फिल करना लर्निंग का, ये अल्टीमेट पर्पस है असेसमेंट का, तो जो कि फोर्थ में बोला गया। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का, जैसे कि आपने सारे कुछ स्टेटमेंट देख लिए हैं, तो करेक्ट आंसर इसका जो है वो है आपका फोर्थ, यानी कि मेन पर्पस क्या है,
डायग्नोज करना है कि रेडिमी करना है उसके गैप जो लर्निंग के बीच में आ रही है, कहने का मतलब जो समझ में नहीं आ रहा, जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, उस चीज को आइडेंटिफाई करना, उस प्रॉब्लम को डील करना और उसकी रेडी में करना, उसको निदान करना, उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना ही मेन पर्पस है असेसमेंट का, यानी कि आंसर आपका फोर्थ हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल चिल्ड्रन एम एट प्रोवाइडिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी इन, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो एक स्पॉन्सर स्कीम होती है, देखिए एक तो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, और एक जो इसमें बोला गया सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम। अब दोनों में डिफरेंस क्या है पहले तो ये समझ लीजिए कि भाई जब बात की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, इट मीन्स इसमें जो पूरी फंडिंग होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होगी, और जब हम बात करेंगे कि भाई सेंट्रली स्पॉन्सर, इट मीन्स क्या होगा कि इसमें सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट काम करेगी, दोनों का पार्टिसिपेशन होगा, लेकिन इसमें जो मेजोरिटी जो पार्ट होगी वो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, यानी कि आप ये कह सकते हैं 60:40 भी हो सकता है, 70:30 भी हो सकता है, 90:10 भी हो सकता है, यानी कि जो मेजर पोर्शन जो होगा वो फंड का, वो जो एलोकेट करने का काम कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, और थोड़ा जो कम जो बच गया वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा आपने। अब समझिए क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि भी जितने भी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स हैं किसके लिए, इंटीग्रेटेड एजुकेशन के लिए, और वो किसके लिए, जो डिसेबल चिल्ड्रन है, या फिर हम इसे कह रहे हैं डिफरेंटली एबल, जो आजकल न्यू टर्म यूज किया जा रहा है, डिफरेंटली एबल, डिसेबल, या फिर आपके जैसे हमारे मोदी जी आजकल यूज करते हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो टर्म, न्यू टर्म जो दिया गया कि भाई दिव्यांग, तो उस तरह के जो स्टूडेंट है तो उनके लिए जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, ठीक है, उसके रिगार्डिंग में आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इनमें से किस जगह पर पे ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन का ये स्कीम लॉन्च किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है रेगुलर स्कूल्स में, कि मैंने इस तरह के स्टूडेंट को रेगुलर स्कूल में पढ़ाया जा सके। सेकंड बोला गया स्पेशल स्कूल में, कि इनके लिए क्या है कि स्पेशल स्कूल बना दिया जाए और वहां इसकी एजुकेशन हो। थर्ड में बोला जा रहा है कि ओपन स्कूल में, कि मतलब एक डिस्टेंस वाला ओपन स्कूल इनके लिए क्रिएट किया जाए, वहां इनका एजुकेशन कंप्लीट होगा। और लास्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है कि ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन स्कूल, यानी कि ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया था कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल चिल्ड्रन, इसका जो एम है एजुकेशन प्रोवाइड करना, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, कि जो कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी है, वो किस फील्ड में, वो बोला जा रहा है कि ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन स्कूल के लिए। यानी कि जो करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का आपके लिए हो गया वो हो गया आपके लिए क्या, अटेम्प्ट कर लिया होगा आप, आई होप आप लोगों ने। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट हो गया, यानी कि इंटीग्रेटेड जो टर्म आया इसका मतलब ही यही है कि भाई एक साथ सबको इंटीग्रेटेड करके, यानी कि बच्चों में किसी भी टाइप के स्टूडेंट हो उसमें डिफरेंशिएट ना कर सके, और उनके लिए उस तरह की स्पेशल जो सिचुएशन क्रिएट की जानी चाहिए या फैसिलिटी होनी चाहिए नॉर्मल स्कूल में, उसको प्रोवाइड करने के लिए फंड रिलीज करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है उसके लिए स्पॉन्सरशिप करती है। जैसे आप लोगों ने यूजली स्कूल में देखा होगा कि भी जो इस तरह के बच्चे हैं, जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या करते हैं, रैंप बनवा देती है, यानी कि क्लासरूम को और इस बिल्डिंग को और जो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको इस हिसाब से आजकल बनाया जा रहा है ताकि ये इस तरह के स्टूडेंट के लिए भी फ्रेंडली हो, यानी कि इनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो स्कूल में आने में, अपनी एजुकेशन को पूरी कंप्लीट करने में। तो करेक्ट आंसर जो हो गया इसका वो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया। अब आपने कितना सही किया कितना गलत किया क्वेश्चन को, स्कोर जरूर मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को लाइक करिए और अपने बाकी जो फ्रेंड है जो आपके साथ प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी शेयर करिए, ताकि आप लोग जज कर सके कि भाई आपकी स्टैंडिंग कहाँ है आज के टाइम पे, कैसे आपकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वीडियो को देखिए, इसे रिवाइज करिए, जो टॉपिक आप गलत कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको जाके रिवाइज करिए। अगर 70-80% ठीक चल रहा है, अगर सही कर रहे हैं, इट मीन्स अच्छा है, तो डेली प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि आपके स्कोर कम आ रहे हैं, यानी कि वो टॉपिक जहां पे आपने आंसर गलत किए हैं उसको एक बार दोबारा अलग से स्टडी करने की आपकी जरूरत है। तो ठीक है, फिर इस वीडियो में आज के लिए इतना ही है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सुबह 7 बजे करंट अफेयर की वीडियो, और शाम को 7 बजे मैं लेके आता हूं आपका टीचर सिलेक्शन एग्जाम की ये वीडियो, तो दोनों वीडियो आप देख सकते हैं, लाइव क्लास लेता हूं मैं, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए फिर इस वीडियो में इतना ही है।